ज़ वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट जोन सो होगा इस वीडियो में बात करेंगे आई बी पी एस अरबिक लर्क के बारे में कि इसकी स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है और नॉर्मलाइजेशन में कौन कौन से शिफ्ट के नंबर भरेंगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में मिनिमम कितना यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स है यह भी आपको बताऊंगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर तो सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम का लेवल कैसा रहा है तो ईजी टू मॉडरेट रहा है ठीक है कुछ शिफ्ट में पेपर आपका मॉडरेट आया था तो कुछ शिफ्ट में ईजी भी आया है आज का जो पेपर था सेकंड शिफ्ट का सही रहा है मतलब कंपेयर करें ठीक है तो इजी टू मॉडरेट रहा है ऐसा नहीं कि मैं बोला हूँ कि पेपर इजी आ गया देखो कंपेरिजन होता है यहाँ पर कि कुछ शिफ्ट में है उससे अगर हम कंपेयर करें तो आज का पेपर इजी था सेकेंड शिफ्ट का ठीक है तो अगर हम देखें तो ओवरऑल पेपर का लेवल क्या है इजी टू मॉडरेट यानी कि मॉडरेट से जो भी यहाँ पर शिफ्ट है उनको क्या होगा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा ठीक है हम बात करें मॉडरेट uh, शिफ्ट की तो जैसे कि आपका जो फर्स्ट डे का एग्जाम हुआ था उसमें सेकेंड और जो सेकेंड तो थोड़ा बहुत यहाँ पर सही भी था थर्ड और फोर्थ जो शिफ्ट हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए थे ठीक है तो इन दोनों शिफ्ट को नॉर्मलाइज़ेशन का फ़ायदा मिल जाएगा ऑल्सो कल वाला सेकेंड और थर्ड शिफ्ट भी आपका यहाँ पर हल्का सा मॉडरेट था तो फिर इन दोनों का भी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे ठीक है कितने नंबर बढ़ सक बढ़ सकते हैं यहाँ पर तो मैं आपको बता दूँ एवरेज लेकर चलोगे तो पाँच से छः नंबर आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं अगर आपने इन शिफ्टों में एग्ज़ाम दिया है तो ठीक है बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा आपका नंबर नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज़ नहीं करा जाता है ठीक है गाइस ये तो बात हो गई आपकी नॉर्मलाइजेशन की और एग्ज़ाम लेवल की और हम बात करें तो वैकेंसी इस बार प्रवेश ईयर से कम है ठीक है कंपेयर करें अगर तो वैकेंसी कम है लेकिन ये बढ़ने के चांसेस है चौवालीस सौ से यहाँ पर पैंतालीस सौ के आसपास टोटल वैकेंसी है ठीक है तो अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल कंपटीशन लेवल की तो कल की वीडियो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि जैसे कि एक सीट पे कितना कंपटीशन है तो आपको पता होगा कि जितने भी वैकेंसी है उसके दस गुना कैंडिडेट क्या होंगे आगे के स्टेज के लिए बुलाए जाएंगे जो कि आपका मेन एग्जामिनेशन होगा लगभग अगर फॉर्म फ़िलअप की बात करें आठ लाख फॉर्म फिलअप हुआ तो एक सीट पर लगभग पंद्रह कैंडिडेट मैंने यहाँ पर ओवरऑल आपको निकाल के बताया था अगर हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दें जैसे कि आपका अटेंडेंस वगैरह है अगर आप उसको इग्नोर करके चलते हो तो मान के चलो इतना यहाँ पर होता है ठीक है लेकिन अगर अटेंडेंस को आप कंसीडर करोगे ना तो आठ लाख में से आपको नज़र आएगा कि सिर्फ पाँच से छः लाख कैंडिडेट ही एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं ठीक है उससे भी कम तो फिर वहाँ पर कॉम्बिटेशन और भी कम जाता है ठीक है तो उस चीज़ को भी आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि अटेंडेंस भी काफ़ी हद तक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है लेकिन अटेंडेंस का डाटा हमारे पास है नहीं तो हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते कितना कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है ठीक है अटैम्प्ट की बात करें देखो सेवेंटी अराउंड तो आराम से कैंडिडेट अटैम्प कर पा रहे हैं सेवेंटी के प्लस भी कुछ कैंडिडेट ने अटैम्प किया लेकिन सेवेंटी फाइव प्लस काफी कम कैंडिडेट ने अटैम्प किया है ठीक है अगर हम अटैम्प्ट एक्यूरेसी की बात करें तो सेवेंटी फाइव प्लस अटैम्प्ट करने वाले काफी कम कैंडिडेट है इस बार ईयर में ज्यादा थे लेकिन इस बार उतना कैंडिडेट ने सेवेंटी फाइव प्लस अटैम्प्ट नहीं किया है अगर हम इन सारे एनालिसिस के बेसिस पर देखें जो आपका एग्जाम लेवल है सबको कंसिडर कर लें तो स्टेट वाइज आपकी क्या कट ऑफ रहेगी देखो तो यहाँ पर स्टेट वाइज मेरिट बनता है ठीक है तो मैं यहाँ पर कुछ स्टेट को हाई स्टेट कट ऑफ में रखा हूँ कुछ को लो में रखा हूँ कुछ को मीडियम में रखा हूँ तो जो मैंने हाई स्टेट कट ऑफ रखा हूँ पर सबसे पहले मैं उसका कट ऑफ बताता हूँ कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है जो आपका एग्ज़ाम का लेवल रहा है कॉम्पिटिशन लेवल है उसके अकॉर्डिंग फिर हम बात करेंगे मीडियम और लो का ठीक है तो हाई स्टेट में आप नाम सुन लो कौन कौन से स्टेट आते हैं जिसमें कि आपका पंजाब राजस्थान उड़ीसा झारखंड यूपी गुजरात वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड ये कुछ ऐसे यहाँ पर स्टेट है जहाँ की कट ऑफ़ हाई रहती है यू की बात करें यहाँ पर तो यू की जो कट ऑफ़ है आपकी वो सेवेंटी टू से सेवेंटी सिक्स का अराउंड इस बार जाने की चांसेस है ठीक है ये एक्सपेक्टेड है इतना हो सकता है ठीक अगर आपका इतना नंबर है इतना नंबर बन रहा है तो बिल्कुल आप आगे की तैयारी कर सकते हो इससे अगर तीन चार नंबर कम भी है फिर भी करना क्योंकि अगर आपका मॉडरेट शिफ्ट होगा तो आपका तीन चार नंबर बढ़ जाएगा ठीक ये चीज़ आपको ध्यान में लेके चलना है ओ की हम बात कर लें सेवेंटी से लेकर सेवेंटी के बीच स्कोर हैं तो आगे की बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हो नेक्स्ट हम बात करें एस सी एस टी की तो एस टी की हम बात करें एस टी की सिक्सटी सिक्स प्लस अगर आपके यहाँ पर अटैम्प्ट तो आप बिल्कुल सेफ़ हो और अगर हम बात करें एस uh, सी की तो सिक्सटी नाइन से लेकर सेवेंटी टू के बीच अगर आपके नंबर है तो बिल्कुल आप आगे की तैयारी करो ठीक ये तो हो गई हाई स्टेट की कटअप की बात अब मीडियम स्टेट की कटअप की बात करते हैं यहाँ पर कटअप क्या रहता है मीडियम रहता है तो यू आर की यहाँ पर बात करें तो सेवेंटी वन से लेकर सेवनटी फोर के बीच अगर आपके स्कोर है तो आप आगे की तैयारी कर सकते हो अगर हम बात करें ओ की तो ओ बी सी की यहाँ पर जिन्होंने सेवेंटी प्लस करा है वो बिल्कुल आगे की तैयारी कर सकते हैं एस की बात करें सिक्सटी एट प्लस अगर आपने किया है बिल्कुल आगे की तैयारी आप कर सकते हो हम बात कर ले एस की तो एस टी कैंडिडेट जो भी है सिक्सटी फाइव प्लस अगर वो नंबर ला रहे हैं तो बिल्कुल उनको आगे तैयारी करनी चाहिए नेक्स्ट है यहाँ पर कट ऑफ कम रहती है एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टेट लो रहती है हम बोल सकते हैं अगर सभी के कम्पेरिज़न में देखें तो तो यहाँ की जो यू की कट ऑफ़ है वो आपको सेवेंटी से लेकर सेवेंटी टू के बीच देखने को मिलेगा ओ बी सी की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर आपको सिक्सटी सिक्स से लेकर सेवेंटी का राउंड देखने को मिलेगा वहीं एस टी की बात कर ले तो अगर आप एस टी और एस सी कैंडिडेट हो तो अगर हम एस सी की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर अगर आप सिक्सटी फोर प्लस भी स्कोर करते हो तो आप सेफ़ रहोगे और एस टी में बात करें सिक्सटी टू प्लस भी यहाँ पर ईज़िली निकल जाएंगे मेरी एग्जामिशन में बैठ जाएंगे अगर इतने स्कोर है तो ये एक्सपेक्टेड है देखो तो ये एक दो नंबर ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है अगर आपका मॉडरेट शिफ्ट है तो इससे कम नंबर है फिर भी आप क्वालिफाई कर सकते हो तो आपको क्या करना है आगे की प्रिपरेशन में लगे रहना अगर आपको तीन चार नंबर लग रहा है कि कम भी है फिर भी आपको आगे की तैयारी करनी है क्योंकि काफ़ी सारे शिफ्ट ऐसे थे जहाँ पर मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आया था ठीक है ओवरऑल मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो में कि आ, किस शिफ्ट में कितना नंबर बढ़ेगा क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं ऑल्सो आपको नीचे कमेंट करना है कि आपने किस शिफ्ट में एग्जाम दिया किस दिन आपका एग्ज़ाम था और आपका शिफ्ट का लेवल क्या था क्या आपने कितने अटैम्प्ट करे हैं किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ठीक है कमेंट सेक्शन में ये जरूर से लिखना और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछना तो गाइज़ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर